कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस पर में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाविन। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है और सुना भी है कि काफ़ी ऐसे यूज़र्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स, जिनको है ना उनके कैमरा सेटअप के बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कि एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, चार कैमरा क्या, कैसे, कौन से, कब टाइम पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज वही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों पसंद आया वीडियो तो आप लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है सिंगल कैमरा वाला फ़ोन। जब भी स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी बाजार में आई थी, तब सबसे पहले उसमें सिंगल कैमरा यूज़ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सिंगल कैमरा यूज़ हुआ। एंड देन सिंगल कैमरे में होता क्या था कि नॉर्मली आप फोटो क्लिक कर सकते थे, फिल्टर वगैरह लगा सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आपको ब्लरिंग का ऑप्शन मिलता था, बट वो सॉफ्टवेयर लेवल का था, जो कुछ हद तक ठीक था। एक डिस्टेंस से वीडियो आप बना रहे हो तो आपको ब्लरिंग इफेक्ट अच्छी मिलती थी, बाकी वो स्प्रेड हो जा रहा था। तो वो मतलब कंपनी ने उस पर काफ़ी सारे मोबाइल इंडस्ट्री ने वहाँ पे मतलब काम किया। एंड देन वहाँ पे टेक्नोलॉजी को चेंज करके लाई ड्यूल कैमरे वाली टेक्नोलॉजी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है अभी ड्यूल कैमरा टेक्नोलॉजी। दोस्तों ड्यूल कैमरा टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि एक तो आपका मेन कैमरा था, दूसरे कैमरे को नाम दे दिया डिफ्ट कैमरा, यानी उसको बोलते हैं ब्लरिंग वाला कैमरा, जिसे हम बैकग्राउंड ब्लर करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, काफ़ी सारे नाम है। इंसोड उसे डिप कैमरा बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि आप डिप कैमरे की मदद से बैकग्राउंड को एग्जैक्टली लाइक मिनी लुक लाइक मिनी DSLR। हाँ, अभी स्मार्टफोन को आप मिनी DSLR टाइप यूज़ कर सकते हो ड्यूल कैमरे वाले फ़ोन को। तो वो एक अपडेट आया जिससे एक हाई लेवल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपको मिल रही थी। एंड देन वापस ट्रेंड चेंज हुआ। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको मिल गया ट्रिपल कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी मतलब हद तक ज़्यादा सेल हुआ ये ट्रिपल कैमरे वाले फ़ोन। तो दोस्तों उसमें क्या यूनिक दिया कि जैसे एक मेन कैमरा हो गया, एक हो गया डिफ इफेक्ट, और तीसरा कैमरा ऑड हो गया वाइड एंगल लेंस। जी हाँ, वाइड एंगल लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, दो टाइप के लेंस आ गए। उससे क्या फ़ायदा था कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे कैमरे में इतना पार्ट दिख रहा है, ठीक है, बट वो जो अल्ट्रा वाइड एंगल या वाइड एंगल में क्या होगा कि मुझे इतने की जगह पे वो थर्ड कैमरा, इतना कैमरा का लेंस पोजीशन चेंज करेगा। इट्स मीन 60 डिग्री का अगर मैं कुछ नॉर्मल मेरा फोटो आ रहा है, तो वो 90 डिग्री तक मुझे फोटो कैप्चर करने के लिए कैपेबल वो लेंस मुझे करता था। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आप ग्रुप फोटो आराम से ले सकते हो। आपको सेम जगह पे खड़े रहकर भी ज़्यादा आपको एरिया कवर हो रहा था, आपको दूर नहीं जाना था, पिक्सल्स भी फ्रेड नहीं हो रहे थे, तो वो टेक्नोलॉजी थी। एंड देन अभी सबसे लेटेस्ट में आया क्वाड कैमरा। जी हाँ दोस्तों, क्वाड कैमरा इट मीन्स कि चार कैमरे पीछे आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, बैक साइड में आपको चार कैमरे। चार कैमरे का मेन बेनिफिट, एक मेन कैमरा, दूसरा डेप्थ कैप, तीसरा मिल गया वाइड एंगल, और चौथा जो कैमरा था वो दिया हुआ था या तो मोनो लेंस या तो मैक्रो लेंस। जी हाँ दोस्तों, मोनो लेंस किसी किसी ब्रांड के फ़ोन में ही मिल जाता है, और जो आपको ये मैक्रो लेंस है वो हर एक के फ़ोन में आपको इनबिल्ट अभी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका क्या यूज़ है कि मैक्रो लेंस से क्या होता है कि आप माइक्रो फोटोशूट कर सकते हो। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो चार कैमरे वाला फ़ोन है उसमें मैंने एक सैम्पल्स लिए हुए, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने मतलब एकदम क्लोजअप फोटो लिया है, जैसे हनी बीन हो गया, फ्लावर हो गया, किसी भी कोई डिज़ाइन हो गई, तो जो मैंने एग्जैक्टली मैक्रो लेंस से लिया है तो काफ़ी बेहतरीन क्लियरिटी और कलर कॉन्ट्रास्ट मुझे मिल रहा है दोस्तों। और मोनो लेंस में क्या होता है कि जिसमें मैक्रो लेंस नहीं उसमें मोनो मिलेंगे। मोनो लेंस में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली है ना ब्लैक एंड व्हाइट को, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट को कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा, क्लियरिटी ऐसे ही रहेगी, पिक्सल स्प्रेड नहीं होंगे, एकदम ब्राइट बट ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप बैकग्राउंड को भी ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, वो सब मोनो लेंस के फीचर्स थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूले। तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून।